हैंड रिटन असाइनमेंट। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम ऑल ओवर इंडिया में हैंड रिटन असाइनमेंट प्रोवाइड करवाते हैं, और अगर आपको हैंड रिटन असाइनमेंट का ऑर्डर देना है तो आप हमें गिवन नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, हम आपके ही प्लेस पे आपको हैंड रिटन असाइनमेंट प्रोवाइड करवाएंगे। एंड अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के असाइनमेंट का पीडीएफ चाहिए तो आप हमें गिवन नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, एंड अगर आपको स्कैन कॉपी भी चाहिए तो वो भी हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑर्डर करने के लिए आप हमें गिवन नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। तो फिलहाल के लिए मैं आपको दिखाऊंगी MPSC 001 की हैंड रिटन असाइनमेंट। अगर आप चाहें तो आप वीडियो को पॉज करके आप उन असाइनमेंट को नोट डाउन भी कर सकते हैं, एंड अगर आपको उनका ऑर्डर देना है तो आप हमें गिवन नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, MPSC 001 के असाइनमेंट हैं आपके। फर्स्टली आपको क्या करना है, जिस भी सब्जेक्ट की आप असाइनमेंट बना रहे हैं उसका क्वेश्चन पेपर लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। जिस भी सब्जेक्ट का आप असाइनमेंट बना रहे हैं तो उसका क्वेश्चन पेपर आप ज़रूर लगाएं। तो यहाँ पे मेरा MPSC 001 का है, तो यहाँ पे देखिए मैंने उसका क्वेश्चन पेपर पहले लगाया है, ये देखिए। ठीक है, आपको क्वेश्चन पेपर लगाना है फर्स्टली। एंड आपको सेकंड पेज पे क्या करना है, एक आपको ब्लैंक पेपर ले लेना है। ब्लैंक पेपर पे आपको जिस भी सब्जेक्ट का बता रहे हैं असाइनमेंट उसका कोड एंड सब्जेक्ट का नेम आपको बहुत ही डार्क तरीके से, मतलब हाईलाइट तरीके से आपको उसको लिख देना है, और ज़्यादा डेकोरेशन आपको नहीं करनी है। ठीक है, आपको बहुत ही कम डेकोरेशन करनी है, और आपको बस क्या करना है, सब्जेक्ट को हाईलाइट करना है। जिस भी सब्जेक्ट का बना रहे हैं उसको हाईलाइट कर देना है, इसको थोड़ा डार्क कर देना है आपको। अब ये देखिए नेक्स्ट, इस तरीके से आपने सेकंड पेज पे आपको करना है। एंड यहाँ पे हमारे जो हैंड रिटन असाइनमेंट है वो शुरू होते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने हैंड रिटन असाइनमेंट के लिए A4 शीट का यूज़ करा है। सभी असाइनमेंट को हम A4 शीट पे बनाते हैं और ब्लैक एंड ब्लू पेन का यूज़ करते हैं। ब्लैक पेन से हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है एंड ब्लू पेन से अपने आंसर को एक्सप्लेन करा है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स कितनी अच्छी तरीके से, नीट एंड क्लीन तरीके से हमने आंसर को एक्सप्लेन करा है। कोई भी डेकोरेशन आपको नहीं करनी है, सिंपली आप जैसे क्वेश्चन आंसर को आप लिखते हैं उसी तरीके से आपको अपने असाइनमेंट में भी वही मेथड आपको अप्लाई करना है विदाउट डेकोरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक ही राइटिंग के आपके असाइनमेंट हैं, आप अदर राइटिंग से नहीं कर सकते, एक ही राइटिंग आपको सभी असाइनमेंट में अप्लाई करनी है। ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से हमने कंटेंट वाइज यहाँ पे आंसर को एक्सप्लेन करा है। ये देखिए स्टूडेंट्स कितना अच्छे तरीके से बेस्ट हमने आंसर यहाँ पे प्रोवाइड कराया है, जिससे आप अच्छे मार्क्स ला पाए। देख सकते हैं स्टूडेंट्स, अगर आपको इनको नोट डाउन करना है तो आप इजीली वीडियो को पॉज कर सकते हैं। एंड अगर आपको स्टूडेंट्स किसी भी सब्जेक्ट का या फिर आपको MPSC 001 के असाइनमेंट का हैंड रिटन असाइनमेंट का ऑर्डर देना है तो आप हमें गिवन नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए, हम आपके ही प्लेस पर आपको हैंड रिटन असाइनमेंट प्रोवाइड करवाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको खुद अपने असाइनमेंट को लिखना है तो हम आपको PDF भी प्रोवाइड करवाते हैं, उसके लिए भी आप हमें व्हाट्सअप कीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट कितनी अच्छी तरीके से हमने आंसर को सभी आंसर को एक्सप्लेन करा है।
तो स्टूडेंट्स यहीं पे हमारे MPC 001 कॉग्निटिव साइकोलॉजी लर्निंग एंड मेमोरी के जो असाइनमेंट हैं हैंड रिटन वो यहीं पे कंप्लीट होते हैं। एंड अगर आपको इन असाइनमेंट को नोट डाउन करना है तो आप इजीली वीडियो को पॉज करके आप इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपको हैंड रिटन असाइनमेंट का ऑर्डर देना है तो आप हमें गिवन नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो भी आप हमें व्हाट्सअप कीजिए। सो स्टूडेंट्स यहीं पे हमारा आज का वीडियो कंप्लीट होता है। एंड अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड स्टूडेंट्स अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जो लाइक शेयर एंड कमेंट करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को बजाना ना।